आपको बता दें केवल 68 दिन शेष हैं अब लोकसभा चुनाव में, लेकिन किस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, बयानबाजियां हो रही है, उसका असर हो रहा है कुंभ के अंदर भी। आज यूपी कैबिनेट की बैठक कुंभ मेले में प्रयागराज में ही होने वाली है। ये पहली बार है जब कुंभ मेले के दौरान यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट इस बार प्रयाग के कुंभ पहुंच रही है और कुंभ में पूरी कैबिनेट न सिर्फ दर्शन पूजन करेगी बल्कि कैबिनेट के फैसले लेकर इतिहास को बदलने का काम भी करेगी। प्रयागराज के कुंभ में सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में होगी। बैठक में राम मंदिर और अन्य मुद्दों पर चर्चा संभव है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अखाड़ा परिषद के संतों से मुलाकात करेंगे। नेत्र कुंभ अस्पताल का दौरा भी करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक का संतों ने भी स्वागत किया है। कैबिनेट यह विश्वास दिला के जाएगी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें मान लेंगे कि यह बैठक सफल हुई है, योगी जी का मुख्यमंत्री बनना सफल हुआ है। तो बस 68 दिन बाकी हैं चुनाव में, यूपी कैबिनेट की बैठक कुंभ में होने जा रही है और उसमें क्या कुछ होने जा रहा है देखिए इस रिपोर्ट में। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम योगी और उनकी सरकार के मंत्री प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान मंदिर और 450 साल पुराने अक्षय वट के दर्शन करेंगे। इस तरफ आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो पुलिस की बैरिकेटिंग के पीछे की तरफ खड़ी है और मंदिर आती है और इसी जगह पर पूरी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट पहुंचेगी और यहां पे सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करेगी। हनुमान जी के दर्शन के बाद यहां से आगे बढ़कर अक्षय वट का दर्शन होगा। इसके बाद पूरी कैबिनेट सीएम योगी समेत संगम में डुबकी लगाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी भी देखेगी योगी की कैबिनेट। संगम के तट पर जो जनता का स्नान है वो कुछ देर तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। जब कैबिनेट की बैठक के बाद पूरी कैबिनेट की टीम यहां पहुंचेगी और आस्था की डुबकी लगाकर वापस जाएगी। कुंभ का धार्मिक महत्व है लेकिन इसका राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिश हो रही है। इससे पहले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव कुंभ मेले में आ चुके हैं। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका भी कुंभ का दौरा कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी के शाही स्नान में भाग लेने की भी खबर है। और इसी कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो आप सभी को हम दे दें कि हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि प्रयागराज में कुंभ मेले में इस बार योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और सबसे अहम बात राम मंदिर पर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। बेहद अहम खबर हम आपको दे रहे हैं, राम मंदिर पर जल सुनवाई को लेकर प्रस्ताव पास हो सकता है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि लखनऊ के बजाय प्रयागराज में कुंभ मेले में होने वाली है ये बैठक। हमारे लखनऊ ब्यूरो के संपादक पंकज झा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। पंकज, ऐसे में बेहद अहम हो जाती है ये बैठक? जी हाँ, देखिए ये जो जानकारी मिली है कि कल देर रात तक योगी आदित्यनाथ के घर पर संघ यानी आरएसएस और बीजेपी संगठन और सरकार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इन सब लोगों की बैठक हुई और बैठक में जो चर्चा हुई उसमें ये हुआ है कि क्योंकि हम कुंभ जा रही है पूरी कैबिनेट बैठक, कोई ऐसी बात निकले जिसके मायने बहुत दूर तक जाए। राम मंदिर पर कोई फैसला लिया नहीं जा सकता है, माहौल और मामला चुनावी है और इसी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो जो जानकारी मिली है मुझे कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आ सकता है कि राम मंदिर पर फैसला जल्द से जल्द हो, उस पर जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, इस तरीके की बातें कैबिनेट के प्रस्ताव में आ सकता है, उसके प्रस्ताव पारित किया जा सकता है क्योंकि कुंभ में 2 दिनों बाद की धर्म संसद की भी बैठक होने वाली है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको दे दें, ओम प्रकाश राजभर इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और कैबिनेट के मंत्री भी हैं और वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, ये बड़ी खबर है। पहले ये जानकारी मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री आज कुंभ मेले में पहुंचेंगे, वहां पर गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। पंकज, क्या मिल रही है जानकारी? ओम प्रकाश राजभर पहले भी सरकार के विरोधाभासी बयान देते रहे हैं, आज एक बड़ा मौका है, इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन वो वहां पर नहीं होंगे। ओम प्रकाश राजभर अपने लिए राजनीतिक रास्ता तलाश रहे हैं, इसीलिए उस बैठक में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कुछ मांगे रखी है, आपको याद होगा कुछ जातिगत आरक्षण को लेकर पिछड़ों में जो कोटा विद इन द कोटा की मांग थी उसको चुनाव से पहले लागू किया जाए, उस पर कोई फैसला हो, ये नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उन्होंने इस कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।